मेरा तो धैया दम आलू बन चुका है। दम आलू अंकल जी क्या कर रहे हैं? गाड़ी तो खड़ी है भाई। ओ भाई अंकल जी का स्टंट लगा। गाड़ी की कहानी क्या है? फॉर्च्यूनर की एक आंख चल रही है, एक आंख का क्या नाश मार रखा है। और आगे से देखो गाइस। कोई नहीं जी, मैं ठीक करवाई देते हैं। ओ ये वण भी मैं चमक चलो। ओ ओ वण भी मैं चमक चलो। ओ ओ ओ ये देखो गाइस, बिना यहाँ पे ब्रेक लगाए मैंने सीधा गाड़ी यहाँ पे चढ़ा दी है। और गाड़ी में बस हाँ हिलती गाड़ी है वो। हेलो गाइस, तो स्वागत आप सबका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग ऊपर तो सब बढ़िया होंगे, मजे करेंगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और अंकल जी के पास मैं आया हूँ। अंकल जी पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी में बुला लेते, कल मैं इतना थक गया था। जैसे कि आपको पता ही है भैया, इतना काम करा मैंने। हाँ तो क्या चाहते हो? अरे जिमी वो फॉर्च्यूनर का सीन तो पता ही है तुझे। तो मेरे को नहीं पता अंकल जी, बताओ आप। अरे कल उस बाबूराव का फोन आया था। क्या कह रहे हैं? तो बाबूराव का वो फॉर्च्यूनर के तूने मोटे टायर नहीं करा दिए? हाँ। तो सस्पेंशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है उसे चलाने में, वो कह रहा था। हाँ यार, हमने फॉर्च्यूनर चलाई है, थोड़ी सी चलाई थी ना एक बार। थोड़ी सी चलाई थी पर हमें तो बढ़िया लगी थी जिमी। ओ यार चलो उनकी कार है, क्या कह रहे फिर आखिरकार चाहते क्या है वो? वो कह रहा है कि मेज बैंक के बाहर मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी अपनी। हाँ हाँ। तो उसको थोड़ा एडजस्ट करो यार। अरे यार ये तो गलत फंदे में फंस गए। तो चलो कोई नहीं गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी इनके अलग ही मैटर चल रहे हैं। तो चलो बाबूराव अंकल जी को मैं मना भी नहीं करता था क्योंकि उन्होंने मेरी खुद इतनी हेल्प करी है। अंकल जी चलो फिर लेके आते हैं गाड़ी। और क्या वही करते जी मैं चल। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है गाइस, ठीक है? हमारी जो स्कॉर्पियो वो यहीं खड़ी हुई है, यहीं से हम निकलेंगे। नचांगे सारी रात सोने में। अरे यार मेज बैंक, अच्छा मेज बैंक तो उस साइड है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। ये मैंने तो अपने छोटे टायर करा लिए थे। बैठने तो जी जिमी। अरे बैठ जाओ अंकल, कैसी बातें कर रहे हो? एक कुड़ी अंकल। पगले आगे गाड़ी है। अरे यार हटा ले भाई, लेट हो रहे हैं हम। हाँ दिमाग खराब कर देते हैं अंकल जी यहाँ के गंदे बच्चे। आप जैसे ड्राइवर जो होते हैं ना वैसे ही होते हैं, चिक्कू से ड्राइवर है चिक्कू से। अरे अरे कोई नहीं कोई नहीं। बाकी हमारी स्कॉर्पियो तो गाइस एक नंबर की गाड़ी चलती है, आपको तो पता ही है। मेरे स्कॉर्पियो में तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन हमने चलाई तो थी यार। आंटी आंटी क्या ले, सब बढ़िया ना मोज में? चलो ठीक है, वो आपने मिस कॉल करी थी कल, मैंने देखना देखी नहीं थी। चलो ठीक है अंकल जी निकलते हैं हम तो हैं। ओके। अरे यार अंकल जी बहुत मतलब इतने काम सिर पे आ चुके हैं ना मेरे इलेक्शन के चक्कर में। क्या ही बताएं अब, मेरा तो धैया दम आलू बन चुका है। दम आलू अंकल जी। क्या कर रहे हैं? गाड़ी तो खड़ी है भाई। ओ भाई अंकल जी का स्टंट लगा गाड़ी के साथ। अरे स्टंट मत कर जी मैं अभी। तो गाइस जा रहे हैं हम मेज बैंक के लिए। फॉर्च्यून रोड बस एक टायर की बात बोली और कुछ भी बोली उन्होंने। बस टायर के लिए बोला, बाकी चीजें उन्होंने बोला क्या है? मेन के टायरों में हो क्या रहा है? अरे वो मोटे है ना तो सस्पेंशन में मतलब चलाने में दिक्कत सी हो रही है उन्हें। कहां गए थे वो? कहीं ऐसे ऊपर का रास्ते निकल गए थे या पता नहीं, आवाजें भी आ रही हूं कह रहे थे। अबे यार भैंस की आंख। चलो देखते हैं गाइस क्या सीन है क्या नहीं, फटाफट चलते हैं मेज बैंक फॉर्च्यूनर से आपको मिलवाते हैं। ये तो गाइस यहां हम पहुंच गए, यहां आके हम देखते हैं कहानी ही अलग है अंकल है। वही जिमी एक बार अंकल जी हट रहा है एक बार आगे से। हां हटता हूं हटता हूं। ये दिखाता हूं गाइस कहानी, दिखाता हूं मैं आपको कि कहानी क्या है। फॉर्च्यूनर की एक आंख चल रही है, एक आंख का क्या नाश मार रखा है। और आगे से ये देखो गाइस, फिर बताया जाता है कि हमारी गलती है अंकल। अरे जिमी वो कह रहा था कि मैं कभी रात को निकला था, वो हाईवे वाला ऑफ रोडिंग वाला एरिया ना। अच्छा अच्छा। उधर की साइड बारिश तो हो ही रखी थी तो पता नहीं क्या सीन हुआ, ठुक गई इसकी एक साइड से। हमारे सिर पे चढ़ रहे थे पता नहीं भाई, अब वो तो पता नहीं कहाँ है, उसके सर पे चढ़ते वो तो गया हुआ अभी बाहर। तो गाइस फिर हम बात बूत तो करी फ्रेंगन अंकल जी ने, फिर उसने कहानी बताई कि ये सीन हुआ था। इसने कहा उसने कहा ठीक करवा दो बाकी मैं देख लूंगा कैसे ना। उसने कहा टायर थोड़े से ना छोटे करवा दियो। अब दिक्कत बताऊँ क्या है, ये ठुकी इसकी वजह से टायर यहाँ टच हो रहा, फिर चढ़ चढ़ तो आवाज आएगी यार, किसने कह दी नहीं आएगी। वही जी मैं कह रहा था। पर चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ले जाएंगे गाड़ी, हमें क्या हम करा देंगे। हमारा बड़ा सासू का कुछ हो जा रहा है। ये देखो टच होएगी गाड़ी, ये देखो कैसी टच हो रही है, टच होएगा ही। ये देखो वही तो। ये देखो एक गाइस आपको ये दिख रही होगी, ये देखो लाइट एक तरफ की है, एक तो इसके भी अंकल जी गिर लेना लाइट के। ठीक ठीक करवा देंगे कोई नहीं जिमी। अरे भैंस की आंख, एक तो मैं अपन को प्यारे अंकल समझता हूँ और गलती हमारी निकाल देते हैं मेरे। कोई नहीं जी मैं ठीक करवा देते। ओ ये वण भी मैं चमक चलो। ओ ओ वण भी मैं चमक चलो। ओ ओ ओ ओ बड़ी गंदी चटर चटर आवाज निकल रही है अंकल जी, बड़ी गंदी चटर चटर।
कुछ नहीं कर सकते जिमी अभी इस टाइम। अभी तो कुछ नहीं कर सकते गाइस, अब जहाँ से इसका सारा काम हुआ है तो गाड़ी को मैं वहीं लेके जाऊंगा, उसे दिखाऊंगा कुछ हो सकता है तो भाई कुछ हो तो जाएगा ही। मेन मंकड़ ही वो बम्पर चेंज करेगा ना गाड़ी का पूरा। हाँ बम्पर ही चेंज होगा अब तो जिमी, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और गाड़ी भी आपको पता है कौन सी गाड़ी है, तो भाई साहब इसका माल मूल मंगवाने में भी तो टाइम टाइम लगता है। पर उसने कहा है कि एक बार गाड़ी तो लेके आओ, मैं सेट सूट करके देखता हूँ कुछ हो जा तो। चलने में तो कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, देखना छोटे ज्यादा ही करवा रखे मोटे टायर इसके तूने जिमी। यार पर अंकल जी आप मेरे साथ थे कभी गाड़ी में कोई दिक्कत दी हो मोटे टायर की वजह से? हाँ वो तो दिक्कत नहीं है, ये उसी की गलती है। बाकी उन्हें लग रहा है कि हाँ सस्पेंशन में दिक्कत आ रही है, छोट मैं आज तसल्ली पूरी कर दूँ। ठीक ठीक मेरा छो आ जाता ना अंकल जी, फिर नहीं सुना करता मैं किसी की। हाँ रुक जा रुक, तो लेट्स गो गाइस, लेके चलते हैं गाड़ी को सीधा सैनी शोर्स, दिखाते हैं उस मैकेनिक को और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। लेट्स गो, चल चल जल्दी हट जल्दी हट। चलो अंकल जी। हाँ हाँ जिमी आ तो अंकल जी को दे दी थी, आ रही है ना तो अंकल जी को मैंने गाड़ी दे दी थी रास्ते में, मैं कहा थोड़ा रेस्ट ही कर लेता हूँ। और ये हम गाड़ी लेके आ चुके अंदर। कितना मांग रहा है? $125 बोल रहा है। अरे यार 125 इसके 50 कुछ टायर के ले लेगा। ठीक है करवा दो, बोल दो इसे। चलो करवा रहा हूँ फिर मैं। ठीक है करवा दो करवा दो करवा दो। ठीक है गाइस फिर होने देते हैं, टाइम तो लगेगा इसमें, इसके बाद आपसे मिलते तो टायरों का काम करवा के ही आपसे मिलता, टायर छोटे करवा ही देता हूँ मैं। हाँ दिमाग की तेजी कर रखी। ठीक है चला, ठीक है सारा काम करवा दिया है, टायर छोटे क्यों अंकल? ज्यादा तो नहीं जी, थोड़े से करवाए हैं। हाँ तो टायर समय टायर छोटे थोड़े से करवाए हैं, पर जो टायर की चौड़ाई है वो उतनी ही है जितनी पहले थी क्यों अंकल? बिल्कुल जिमी बिल्कुल। और अब सीधा गाइस ताकि अंकल जी का भ्रम दूर हो जाए और मेरा भी, ठीक है हम सीधा लेके जा रहे हैं ऑफरोडिंग ट्रैक पे और देखे तो सही आखिरकार फॉर्च्यूनर क्या जलवा दिखाती है इन टायरों के साथ, और हम भी तो देखे आखिरकार दिक्कत आती भी है इन टायरों के साथ या नहीं क्यों अंकल? बिल्कुल जी हाँ हो जाता है कई कई बंदों को भैया, थोड़े हो जाता है इधर उधर मामला पानी, और उस दिन उन्हें ठोक दिया और उन्हें लग रहा है कि ये गाड़ी ठुकी भी चक्कर में होगी, ब्रेक इसलिए नहीं लगे। मैं समझ सकता हूँ फीलिंग उनकी अंकल। सही बोल रहा जी, तो इसलिए लेट्स गो गाइस सीधा मिलते हैं ऑफरोडिंग ट्रैक। सीधा नाम मोहब्बत है ये 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 ये। तो गाइस अपने हमने वहां से निकलने से पहले सब कुछ डन करवा रखा, यहां से सीधा मैं भाई राम राम अपना सब कुछ है तो हम निकल जाएंगे यहां से। ए क्या बात है नहीं जट्टा, क्या बात है, क्या लगता है अंकल जी वैसे आपको? अरे फॉर्च्यूनर है ये, ऑफरोडिंग नहीं करेगी तो क्या करेगा जी? और क्या, बाकी ऐसा भी नहीं कि मैं इसे धीरे धीरे निकाल रहा हूँ गाइस, ये देखो स्पीड देखना क्योंकि ये गाड़ी में अंकल जी की गाड़ी है उनकी, तो मैं चाहता हूँ एक बार तेज में भी तो देखूँ क्या सीन रहता है गाड़ी का, है अंकल जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, धीरे धीरे तो सारी गाड़ी आराम से तो निकल जाती है। ये देखो गाइस बिना यहाँ पे ब्रेक लगाए मैंने सीधा गाड़ी यहाँ पे चढ़ा दी है, और गाड़ी में बस हाँ हिलती गाड़ी है वो बात तो माननी पड़ेगी अंकल जी। हाँ हिल तो रही है जी, पर इसका ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हाँ भाई गाड़ी इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएगी ज्यादा, वो बैठे बैठे लगता है यार टायर थोड़े बड़े हैं ऊपर बैठे हम ज्यादा तो इतना तो होगा। हाँ वो चलाते नहीं होंगे ना इतने मोटे टायर वाली गाड़ी। नहीं वो चलाते तो है पर कभी उनके साथ ये सीन नहीं हुआ अंकल ये ठुकने वाला। हाँ ये भी सही बात है, ये देखो अब ये यहाँ घपला कर रही है गाड़ी पर हमने यहाँ से निकाल ली है, और जितना भी गाड़ी में होगा ना उस बंदे ने कह दिया मैं ठीक कर दूँ तुम गाड़ी के, एक बार ऑफ रोडिंग करके देखो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि टायर्स की बात आ गई तो उसके टायर्स के ऊपर हमने भी युद्ध कर लिया भाई क्या है वो है वो है, तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, तो ठीक है हम भी निकल लिए क्यों अंकल? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखो एकदम से गाड़ी पत्थर पे आई, गाड़ी उछल गई पलटी नहीं है, टायर ये वाला नहीं होता तो गाड़ी का बम्पर जाता। अरे ये तो मस्त तरीके से कर ले रही थी, ये देखो ना अंकल जी ये देखो सारे पत्थरों पे खुदा रहा हूँ देख लो, ये देखो इस पे भी कर ले रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ पहले और बड़े थे ये था मैं मान रहा हूँ। हाँ वही जब ही लग रहा था उन्हें। हाँ तो गाइस ये देखो ऊपर चढ़ा दिया और एक ही बारी में कोई दिक्कत नहीं गाड़ी का, एकदम से कभी कहीं स्टीयरिंग मोड़ ले, देखो मैंने स्टीयरिंग मोड़ा गाड़ी का इजीली मुड़ गया, ब्रेक लगा दिया इजीली लग गए, एक नंबर है जी में कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ना कितने कैसे इजीली कट मार रहा हूं अंकल, ये देखो गाड़ी ओ इतना इजी, इस वाले रास्ते से तो कोई नहीं निकला होगा, छोटे वर्ग की है जिमी ये, हाथी है छोटी हथनी, देखो अंकल जी यहाँ से भी यूं निकाल दूं मैं। बिल्कुल जी मैं तो ईज नहीं निकल, ये देखो कोई दिक्कत गाड़ी में नहीं, और गाड़ी में वेट कितना गाड़ी अंकल जी ये भी आपको बताइए इसका। वही तो हाथी है हाथी, और क्या ये हथनी को भी हम निकाल देते हैं यूं, और ब्रेक का देखो एज अरे तेरी भैंस की टैट चाचा नेहरू, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ अंकल जी, देखो टांग हिला रहा है इसको मुझे आराम से निकालनी पड़ेगी ताकि वो बीच में से निकल जाए बस। चलो
टांग हिला रहा, कॉमेडी कर रहा है वो, देखो उठ के भाग गया। देखो गाइस आपने देखा होगा, अरे रे रे रे, उसके चक्कर में जिमी हमारा काम हो जाता अभी। अरे वही तो अंकल जी, देखो एकदम से ब्रेक मारा मैंने, बस निकाल ले जिमी, हो गई है ये तुसी। ये देखो गाइस ऐसे निकली है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अब तो मैं अंकल जी को प्रूफ दिखाऊंगा। ये देखो अंकल जी गाड़ी कहाँ से निकाली है, इतने रास्ते से तो नहीं निकाली होगी ना जैसे मैंने निकाली है। ये देखो ये देखो कैसे स्टीयरिंग भी कंट्रोल है, टायर वैसे लगवा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी एक नंबर है, इतना भी सस्पेंशन गया वो गुजरा नहीं हुआ इसका टायर लगवाने के बाद। ओ ये अंकल, अरे मेन बात है ये सेट करवाना पड़ेगा अंकल जी दोबारा। कहीं नहीं, वो तो बोला है ना उसने कर देगा। हाँ ये तो बोला ही है उसने। ओ ये ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, अच्छी छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू, उफिये ट्रिक्स उफिये लिप्स बेबी कर दी है, अरे अंकल पलट गई बेबी कर दी है किलर, ओ ये कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। अब बोलो अब कौन चचा चौधरी बोल सकता है कि इस गाड़ी में भाई कुछ दिक्कत है, हर जगह से निकाल लिया मैंने, हर जगह से डैमेज क्या है, ये हल्के हल्के निशान है अंकल जी बस, और क्या है। वही तो, और कोई डैमेज दिखवा दो गाइस हुआ हो तो। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो होप करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आया होगा। फॉर्च्यूनर की आज हमने सामने सोचा नहीं था अंकल जी ऑफ रोडिंग भी करेंगे। वही तो जी, वही है गाइस जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये देखो प्यागे निशान है या साइडों में निशान है, ज्यादा कुछ निशान नहीं है इस गाड़ी में, ये शीशे का थोड़ा सा है वो ठीक है, मजा अभी करवाएंगे जाते जाते। तो होप करता आपको वीडियो में मजा आएगा, तो आप बताओ ये टायर ये सही है। अब इससे ज्यादा तो मैं छोटे नहीं करवाने वाला, इधर तो ये छोटे हो गए तो मैं इसको रैली में नहीं लेने वाला, बात इतनी सी है। तो होप करता आपको वीडियो में मजा आया होगा, तो मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ साथ मैंने इसकी जो हेडलाइट है वो भी ठीक करवा ली जो पहले खराब थी। तो मिलता है ब्रांड वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, शूट आ रहा चैनल फिर अगली।